कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर के करीब 200 से ज्यादा देश कोरोना वायरस से अब फिलहाल जंग लड़ रहे हैं। इस महामारी से 7.8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी हैं और 37,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो गई है। इटली में पिछले 24 घंटों में 812 लोगों की मौत हुई। इस बढ़ते आंकड़े को देखते हुए 12 अप्रैल तक लॉकडाउन वहां बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो मौत का आंकड़ा 3,000 के पार चला गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 3,008 लोगों की अभी तक इस वायरस के चलते मौत हो गई। दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा कोरोना के लोग यहां संक्रमित पाए गए। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,000 लोगों का आंकड़ा पार कर चुकी है। आंकड़ा चीन में संक्रमित लोगों का डबल आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा स्पेन में मृतकों की संख्या 7,700 के पार पहुंच गई है।